हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित, और हम लोगों ने जनता से यह वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूं, भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर एक साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद दो बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को, आमतौर पर जवाब आ जाता था लेकिन इन दो पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम खटपट घोटाले हुए, जिन घोटालों को भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी।